भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्र मौर्य टॉकीज के सामने की ग्रीन बेल्ट की जमीन का किस तरह से बंदरबांट हुआ है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार के बनाए सारे नियम कायदे को ताक में रखकर और राज्य सरकार द्वारा बार बार इस जमीन के स्पष्टीकरण और महापौर परिषद की बैठक में इस मुद्दे को शामिल करने निर्देशित करने के बावजूद कोई एक्शन ना लेना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हद तो तब हो जाती है जब भूखंड आवंटन संबंधी मूल नस्तियां निगम कार्यालय से गायब हो और निगम प्रशासन द्वारा उन्हें बिल्डिंग परमिशन दे दी जाती है। यही नहीं, मामला तब और गंभीर हो जाता है जब प्रशासन द्वारा चार व्यक्तियों के नाम पर जमीन लीज कर दी जाती हो और यह चार लोगों के लीज की जमीन एक व्यक्ति के नाम पर हो जाना आश्चर्य की बात है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया हो गई और 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन इतनी आसानी से फेरबदल हो गई, लेकिन निगम के अधिकारी, महापौर, पार्षद और तो और जिले के जनप्रतिनिधि इस पर मूक दर्शन बने रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है। खैर, ये तो जांच का विषय है, इसके लिए कलेक्ट्रेट ने अब जांच के निर्देश भी दिए हैं। इस पूरे मामले के लिए जांच टीम गठित की गई है। हालांकि ये मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि कैसे मिली बिल्डिंग परमिशन, जबकि निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन से जुड़े दस्तावेज और नस्तियां ही गायब है। भाजपा नेताओं के मुताबिक कुछ माह पहले निगम प्रशासन द्वारा अंबटियों को भवन अनुज्ञा प्रदान कर दी गई और अंबटियों ने दिन रात एक कर 2400 घंटे काम कराकर महज 2 माह में भव्य 3 मंजिला भवन का निर्माण करवा दिया, जबकि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने में कम से कम 7 से 8 महीने लग जाते हैं। भाजपा नेताओं के अलावा भिलाई नगर निगम के भवन अनुज्ञा प्रभारी दिवाकर भारती ने अनुमति दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में महापौर के कथनानुसार संबंधित अधिकारियों ने नियमित परमिशन जारी किया है, तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनके ही एमआईसी सदस्य को निगम और महापौर के विरुद्ध मोर्चा खोलना पड़ गया है। दिवाकर भारती का कहना है कि मैंने सार्वजनिक पार्किंग व ग्रीन बेल्ट की जमीन का गलत तरीके से आवंटन व बिल्डिंग परमिशन जारी करने पर याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर निगम व शासन से जवाब मांगा है। वहीं जब इस मामले को लेकर महापौर से संबंधित स्थान की फाइलों के दस्तावेज गायब होने की बात पूछी गई, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।